हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने शायद स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर ही दिया होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे होंगे, कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो आपने भर ही दिया होगा। यदि आप नहीं भरे हैं दोस्तों, तो आप भर दीजिए। टाइम शायद बहुत कम है या है भी नहीं, तो कुछ मैं चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, चीज़ें ये हैं कि आप यदि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं और फाइनली उसको सबमिट कर दिए हैं, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपका वहाँ से सब कुछ ओके है, आपके कॉलेज से जो वहाँ का डिपार्टमेंटल हैंडल करते हैं वो सब सही है, वहाँ से वो लोग सही करते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। एक बात और दोस्तों, कि यदि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सही होगा तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। यदि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सही नहीं होगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये तो 100% श्योर है। सही होने का मतलब क्या है? आपका आय जा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप यदि साइबर कैफे से भरवाए हैं या अपने से खुद भरे हैं, तो आप कुछ चीज़ें ये ध्यान में रखनी है कि आपने कितनी नॉन रिफंडेबल फ़ीस डाली है, कितनी रिफंडेबल फ़ीस डाली है, वो भी चीज़ें सही होनी चाहिए। सीधी सी बात आती है कि यदि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा हो गया है अपने कॉलेज में, आपने जमा कर दिया है भर के, और वहाँ से फॉर्म ओके है, उन्होंने कहा है हाँ आपका फॉर्म सही है, तो बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। बात तब आती है जब वो कहते हैं कि आपका फॉर्म गलत है। तो दोस्तों, यदि आपको फॉर्म किसी तरह से आपको लगता है गलत है, तो आपको अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे scholarship.up.nic.in पे इस साइट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे नीचे एक आया है सिस्टम कि आप जो है त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। यदि आपको कोई त्रुटि हो गई है, कोई करेक्शन आप करना चाहते हैं आपके फॉर्म में, कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, और उसके बाद त्रुटियों का करेक्शन करके 4 दिसंबर लास्ट डेट है, उसको फिर से जमा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कुछ दिक्कतें हैं, तो बिल्कुल आप उसको करेक्ट कर लीजिए और फॉर्म को फिर से जमा कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपका फॉर्म सही रहेगा तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी। यदि आपका गलत रहेगा तो 100% स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्म कई तरीक़ों से वहाँ पे जांच होता है, फिर आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाती है। दूसरी बात दोस्तों, आपने जो अपना बैंक अकाउंट से दिया है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्रॉपरली वर्क करने का मतलब कहीं आपका बैंक अकाउंट बंद तो नहीं हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि वो फॉर्म को भरते हैं, बैंक अकाउंट दे देते हैं, लेकिन वो उनका बैंक अकाउंट ही बंद रहता है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं किए होते उस अकाउंट से, और वो अकाउंट बंद ही रहता है। तो इस केस में आप जाइए उस अकाउंट से, वहाँ पे KYC वगैरह दे दीजिए, देखिए आपका बैंक अकाउंट चल रहा है या नहीं। यदि आप नियमित रूप से ट्रांजेक्शन करते हैं, इस अकाउंट से पैसे निकालते रहते हैं महीने दर महीने, तो आपका बैंक अकाउंट सही चल रहा होगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपका अकाउंट ट्रांजेक्शन में नहीं है और 6 महीने साल भर से कोई पैसा इधर उधर नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। इस केस में आपकी स्कॉलरशिप पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप ना आए। तो इन दो बातों के ध्यान में आपको रखेंगे तो बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप आएगी और आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं होगी। तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी स्कॉलरशिप के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक आपको संभव हो सके, जिससे ज़्यादा लोग जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक वीडियो से रिलेटेड और अधिक अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।